हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज़ फिरोज एंड यू वॉच टू फिरोज प्रैक्टिकल क्लास. गाइस, टुडे मैं हम बात करेंगे कि विदाउट 1 रुपये दिए हुए और क्या हम गल्फ़ यूरोप जैसे देशों में जॉब के लिए जा सकते हैं, वर्क परमिट पे जा सकते हैं विदाउट एजेंट के. तो यस, ऑफकोर्स हम जा सकते हैं विदाउट एजेंट के. और उसका प्रोसेस क्या है और हम कैसे जा सकते हैं विदाउट पैसे के जॉब्स के लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो या कोई भी सेक्टर्स में हो. तो गाइज, इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि हम कैसे विदाउट पैसे के जा सकते हैं गल्फ़ यूरोप जैसे देशों में. तो गाइज, बात करें गल्फ़ या यूरोप जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्वायरमेंट, तो बड़ी बड़ी ट्रेवल एजेंसी के पास लॉट्स ऑफ वैकेंसीज आती हैं, जिनमें बहुत सारा वैकेंसीज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि उनमें ना तो आपका 1 रुपये जाएगा और ना ही सामने वाले, क्योंकि ऑलरेडी वो पेड रहते हैं कंसल्टेंसी को. वो आपके बदले उनको वो पैसे मिलते हैं उनको, जैसे हमें फिरोज़ आलम को किसी ट्रैवल एजेंसी ने दुबई भेजा, तो ट्रैवल एजेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मेरा चार्जेबल जो है, मेरे प्रति जो कमीशन है वो ट्रैवल एजेंसी को मिलेगा और हमसे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो हम इस तरह से जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो हमारे बदले में जो बड़ी कंपनियाँ हैं तो वो उनको पेड करती है, और उनको पेड करने के बाद हम उस टॉप पे फ्री जाते हैं. और बहुत सारी वैकेंसीज होती है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट ऑफ हो जाता है. उसमें क्या जाता है, ट्रैवल एजेंसी पे करती है, बट ये ट्रैवल एजेंसी को बड़ी कंपनियां पे करती है, बट ट्रैवल एजेंसी थोड़े पैसे हमसे निकलवाने के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए हमसे 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 एक्स वाई जेड, जो हमारे पीछे मेडिकल से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या आपको फ्लाइट टिकट बोलते हैं देना पड़ेगा, इतना खर्चा आएगा. तो वो ट्रैवल एजेंसी खुद का होता है, जो नॉमिनल कॉस्ट हो जाता है उसमें 90% चांसेस होता है ट्रैवल एजेंसी का खुद का उनका पैसा है. शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो 3 मंथ 6 मंथ के जो आते हैं, 9 मंथ्स के जो आते हैं गल्फ़ के लिए, यूरोप के लिए, मोस्टली ऑफ 90% फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, 10% चार्जेबल होते हैं, जिसमें आप यूरोप गल्फ कहीं जाते हो तो. और बात कर ले यार गाइज की, यूरोप के ज़्यादा वैकेंसी जाते हैं, गल्फ़ के ज़्यादा वैकेंसी जाते हैं फ्री की. तो गाइज, गल्फ़ के ज़्यादा वैकेंसी जाते हैं फ्री रिक्वायरमेंट के, जिसमें बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसीज है, जस्ट लाइक आपका ITL मुंबई, उसके बाद जोजो इंटरनेशनल, उसके बाद HR इंटरनेशनल, उसके बाद ITL मुंबई, HR ट्रेड लिंक जिसका फुल फॉर्म है, आप वहाँ से कर सकते हैं. उसके बाद वीरा इंटरनेशनल, बहुत सारी है, DDS डायनेमिक सर्विस स्टाफ, जो कि इनके पास गल्फ़ यूरोप के लिए बेटर ऑप्शन है. तो इन सब बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसी के पास फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि इंडिया लेवल पे काफ़ी अच्छे हैं और फेमस है, तो इनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्वायरमेंट आते हैं. तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहें और इनके लिंक्डइन पेज को ज़रूर फॉलो करें, या इंस्टाग्राम फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट पेज को ज़रूर इनके फॉलो करके रखें. जब इनके पास रिक्वायरमेंट आएगा और आपके अपने ट्रेड के हिसाब से आपको वैकेंसीज मिल जाएंगे. अभी रिसेंटली 3G 2G बिल्डर का रिक्वायरमेंट था अबू धाबी के लिए, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन फील्ड में था दुबई के लिए, सऊदी अरब के लिए ऑयल एंड गैस फील्ड में था. तो अलग अलग रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लोगों को पता नहीं होता है. अभी कुछ दिन पहले 2 मंथ तक वो सर्बिया का वैकेंसी चल रहा था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था. यूरोप रोमानिया का था, नॉमिनल का फ्री चार्जेस पे था. उसके बाद आपका UK का था, जिसमें 4.5 आइल्स मिनिमम मांग रहे थे. तो वैकेंसीज आते हैं, बस आपको वो एक्टिव रहना है कि मुझे कब और कैसे अप्लाई करना है. और दूसरा तरीका है ऑनलाइन, जो कि आप कंपनी का डायरेक्ट आपको जस्ट लाइक मिलता है, जो आपके कोई रिलेटिव या कोई है आपको बता रहे हैं इस कंपनी पे मेल करिए, या ये HR का वहाँ से नंबर आपको सेंड करते हैं कि इनके व्हाट्सएप करिए या इनको आप मेल करिए अपने सारे फाइल्स. तो आप उस कंडीशन में कर सकते हैं रेफरेंस के थ्रू, और रेफरेंस के थ्रू आपको उस टाइप में जॉब मिल सकता है, गल्फ हो यूरोप हो, डिपेंड ऑफ कि वो सामने वाला एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है या नहीं, तो उस केसेस में मिलता है. बट मोस्टली ऑफ लोगों को पता नहीं होता, तो मैं कहूँगा एक ही कि एजेंट के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्टली ट्रैवल एजेंसीज के वेबसाइट को फॉलो करें, जहाँ पे आप नॉमिनल कॉस्ट में जा सकते हैं, और जाते हैं लोग बहुत सारे. इसमें क्या होता है, अगर आपका फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकेंड टाइम नहीं हुआ, एक्चुअली मैंने भी कई बार अप्लाई किए जॉब से रिलेटेड गल्फ यूरोप, और कई सारे इंटरव्यू में भी बैठे हैं गल्फ के भी यूरोप के भी. तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस है कि गल्फ़ का कैसे कहाँ से जॉब आते हैं, यूरोप के कैसे कहाँ से जॉब आते हैं, और इनका इंटरव्यू किस टाइप का होता है. उसमें जब आप भी 1 से 2 इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो आपको भी वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, और
एक्सपीरियंस जब आपका भी एक से दो बार इंटरव्यू होने के बाद हो जाएगा तो तीसरा इंटरव्यू में आप थोड़े प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो मतलब ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से आप 4 से 5 इंटरव्यू में आप निकल सकते हैं। 4 से 5 इंटरव्यू बोले तो आप इसको 3 महीने में 5 इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट इंटरव्यू किसी का अच्छा लगे तो निकल जाता है, किसी का सेकंड में निकलता है, किसी का थर्ड फोर्थ फाइव में निकलता है। अकॉर्डिंग टू कि आपका सैलरी वहाँ पर बेस्ट होना चाहिए, एकोमोडेशन आपको होना चाहिए, उसके बाद फूड आपको कंपनी प्रोवाइड करें। मतलब हम एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बंदे हैं तो हम ये सब चीज़ एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपनी कंपनी से। उस तरह अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग आपके एक्सपेक्टेशन हैं उस हिसाब से अपने देख सकते हैं कि हाँ मेरे को क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करी। तो यही सब मेन फोकस होता है कि आपको कंपनी क्या दे रही है, कंपनी क्या मेडिकल दे रही है नहीं दे रही है, कल को आपका रिटर्निंग फ्लाइट टिकट आपके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पे दे रही नहीं, यही सब नॉर्मल जो है आप वहाँ से बात कर सकते हैं बड़ी ट्रैवल एजेंसी के पास। और इनसे अप्लाई करने का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको कल आपके साथ वहाँ पे कल को कोई अलग डिपार्टमेंट या कोई काम आपको जमा नहीं या कुछ भी एक्स वाई जेड है तो कल को आप वहाँ से वापस इंडिया आपको आना चाहते हैं लास्ट केसेस में तो वह आप सेफली आ सकते हैं। एजेंट का क्या होता है, उनका कॉन्टैक्ट छूट जाता है, फिर आप कहाँ वो कहाँ, नो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और उनकी औकात नहीं कि आपको वहाँ से वो ले आए। तो और कुछ ट्रैवल एजेंसी छोटी लेवल पे भी काम करती है लेकिन अकॉर्डिंग टू बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसी से वो कनेक्टेड रहती है, बट वो जेन्युइन रहते हैं। सर्विस चार्ज उनके डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं क्योंकि वो एक छोटे लेवल पे काम कर रही हैं। और वो बड़े ही ट्रैवल आपके डॉक्यूमेंट जो है वो बड़े ट्रैवल एजेंसी के पास ही जाते हैं और वो वहीं से सिलेक्शन होकर वहीं से जाते हैं। जैसे मेरी एक कंपनी है और मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है तो मैंने एक ट्रैवल एजेंसी को पकड़ा और वो ट्रैवल एजेंसी अलग अलग 2-3 ट्रैवल एजेंसी को दे दिए तो इजीली 10 लोग आराम से 10 दिन में पूर जाते हैं। तो इस तरह से वो लोग भी करते हैं। और बाकी वीडियोस का बता ही दिया कि ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड या गल्फ यूरोप के जॉब से रिलेटेड ट्रैवल एजेंसी बेस्ट ट्रैवल एजेंसी उसके वीडियोज़ भी अपलोड है तो आप वो भी देख सकते हैं कि वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे हेल्प हो जाएंगे। रोमानिया से रिलेटेड वर्क परमिट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 2024 का किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं खुद जाऊँगा तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे अप्लाई हुआ, क्या सिलेक्शन हुआ मेरा नहीं हुआ। तो 28 के बाद मैं अभी आपको अपडेट दूँगा। तो अब तक के लिए वीडियो में बने रहे और लास्ट तक आप लोग तब तक के लिए मतलब वीडियो को कंटिन्यू बने रहें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट दूँ। अभी मैं तत्काल इंडिया में हूँ, जॉब कर रहा हूँ और जब जाऊँगा तो भी वहाँ से आपको अपडेट दूँगा और हमारा जो एक टीम वर्क मतलब कम्युनिकेटेड बने रहे आप लोगों से वो हमेशा बने रहे, मैं हमेशा यही चाहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रहें, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ भी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जॉब से रिलेटेड हो या आपके CV से रिलेटेड हो या होटल मैनेजमेंट एडमिशन से रिलेटेड हो, बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया हो, मतलब XYZ जो भी क्वेश्चन है आप मुझे मेल करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग का मेल पर जवाब भी दिया है, सबको पॉसिबल नहीं हो पाता है जवाब देना बट मैं फ्री रहता हूँ जितना होता है तो मैं आपसे कनेक्टेड होता हूँ, आपको जितना हो सकता है हेल्प करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं डिग्री डिप्लोमा XYZ तो मैं हर एक चीज़ का जिनको जिस अकॉर्डिंग उनका होता है उनके अकॉर्डिंग मैं उनको जवाब देता हूँ। और एक ही चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगा, आप अपना बजट हमेशा देखें क्योंकि विदाउट बजट कुछ भी काम नहीं होता है। और आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें कोई भी कदम उठा रहे हैं, चाहे गर्ल्स जॉब जा रहे हैं या होटल इंडस्ट्री में एडमिशन ले रहे हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी हो आप अपने अकॉर्डिंग एटलीस्ट देखें। लोन आप ले लेते हैं बट उनको चुकाना भी पड़ता है। लोन एक भाई ने कमेंट किया सर मैं लोन लेके कर लूँगा वो करूँगा, ऑफ कोर्स आप कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे बट अगर आप 5 लाख रुपए लोन लेते हैं तो उसको 6 लाख रुपए देने भी पड़ते हैं अगले 3 साल 4 साल के बाद। उसके लोन अमाउंट भी होते हैं जो आपको मिनिमम 8% 9% से तो नीचे कोई भी बैंक आपको देता नहीं है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो लोन बड़ी बात नहीं है लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, कहीं पे अगर आप डिप्लोमा में सेट हो रहे हैं तो डिप्लोमा में, कहीं पे आप यूरोप जा रहे हैं 4 लाख रुपए लगा के और वही गल्फ आप जा रहे हैं सेम सैलरी वहाँ पे 80,000 है और यहीं आप किसी गल्फ में जा रहे हो जहाँ पे आपको 50-60,000 रुपीज़ है और सर्विस चार्ज आपके 30-40,000 या फ्री ऑफ कॉस्ट है या 1 लाख रुपये समझ लो है, तो यार मैं कहूँगा कि आप गल्फ जाओ, आपके पास बजट उतना नहीं है और दूसरों से कर्जा लेके आप यूरोप जा रहे हैं और यूरोप के पता नहीं वहाँ होगा कि नहीं होगा लेकिन ये आपका 100% श्योर है। तो एक मिडिल क्लास के बच्चों के लिए हमेशा फर्स्ट चॉइस ऑफ गल्फ रखें और आफ्टर 2 साल के गल्फ एक्सपीरियंस के बाद आप यूरोप जाए, आपके पास लास्ट ऑफ
वैकेंसीज रह जाती है, लास्ट ऑफ रास्ते, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आपके पास, अपार अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं आपने एक बार जब से ही गल्फ़ में काम करके आए तो इसी तरह मतलब यही इंडस्ट्री का, मतलब कोई सा भी इंडस्ट्री का यही एक फार्मूला है सक्सेस का। और एक ही इंडस्ट्री में लॉन्ग टाइम काम करेंगे तो ही आपका एक्सपीरियंस बनेगा, तो ही आप उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बनेंगे, चाहे कोई सा भी फील्ड हो। आज मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात ही नहीं कर, चाहे दुनिया के कोई सा भी फील्ड हो, एक ही इंडस्ट्री में लॉन्ग टाइम तक आप रुके रहेंगे तो ही आप उसके एक्सपर्ट बनोगे। अभी मैं 5 साल हॉस्पिटैलिटी में काम किया, 2 साल अकाउंट में काम कर लिया, 3 साल कैशियर में काम कर लिया, तो इस तरह से नहीं होता है। कंटिन्यू हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटैलिटी में ऑल टाइप्स ऑफ वर्क है, मैं ऑल टाइप्स ऑफ वर्क करने की कोशिश करूँगा, मुझे सीखने का कहीं पे मौका मिलता है मैं छोटा बन के सीखने की प्रयास करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं जस्ट लाइक मुझे कॉकटेल्स से रिलेटेड मुझे जानना था, मुझे सीखना था, तो मैं अभी कंटिन्यू उस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि हाँ यार मुझे कॉकटेल से रिलेटेड जानना है, सीखना है, मुझे मेरा करियर इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थात आप समझ ही गए होंगे। चलिए मिलते किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।